शुक्र 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 जो ब्राह्मण प्लान है शुक्र भी गुरु का प्लान गुरु प्लान है शुक्र शुक्र शुक्राचार्य गुरु प्लान है शुक्र ब्राह्मण है शुक्र भी शुक्र रासिक प्लान है जहां गुरु सात्विक था वहां पे शुक्र रासिक प्लान है शुक्र चर चर तत्व का प्लानट है शुक्र शुक्र स्त्री प्लान है और कामुकता का प्लान शुक्र है जलीय तत्व इसका है स्त्री है शुभ है वात और कफ शुक्र की प्रकृति है वात कफ और शुक्र का जो मेटल है धातु है वो प्लेटिनियम या चांदी यानी कि सफेद धातु शुक्र का माना जाता है और शारीरिक रूप से शुक्र वृय का कारक है शुक्र की जो दिशा है वो दक्षिण पूर्व दिशा यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन शुक्र की मानी जाती है शुक्र सफेद प्लैनेट है सफेद शुक्र का जो रंग है वो सफेदिया रंग माना जाता है या एक चमक चमकीला कलर शुक्र में माना जाता है चमकीला सफेद इस तरीके से चबक जिसके अंदर शाइनिंग जिसमें ब्राइटनेस अंदर वो कलर शुक्र का सफेद रंग माना जाता है शुक्र का शुक्र की दो राशियां वृषभ और तुला वृषभ दो नंबर की तुला सात नंबर की दो राशियां हैं शुक्र की शुक्र मीन में उच्च का होता है मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है कन्या राशि में शुक्र नीच का होता है यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट टू स्टेप की मीन के अंदर शुक्र उच्च का है जबकि शुक्र गु, गुरु के घर में उच्च का होता है यानी कि गुरु गुरु के घर में गया तो उच्च का है शुक्र गुरु 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 शुकर भी गुर, गुरु, है। गुरु गुरु है, गुरु है। गुरु शुक्र शुक्र भी है 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 बृहस्पति देव के घर में जब जाता है तो इट कंसिडर टू बी उच्च क्योंकि उसको वहां पे उच्च की भक्ति उच्च का पायदान प्राप्त होता है गुरु गुरु की रिस्पेक्ट करता है गुरु गुरु की रिस्पेक्ट करता है इसलिए शुक्र के घर में जाके गुरु उच्च का हो जाता है और इसी एट द सेम टाइम प्रिंसेस गुरु की रिस्पेक्ट नहीं करता प्रिंस गुरु की रिस्पेक्ट नहीं करता बचपना होता है लड़खड़ापन होता है और इसलिए शुक्र देव जब कन्या राशि में जाते हैं यानी कि छह नंबर की राशि में जाते हैं वो नीच के हो जाते हैं वहां पे ठीक है बारहवीं राशि इसलिए अब गुरु की कौन सी राशि मीन राशि मीन राशि कौन सी बारहवीं बारहवें घर में जब शुक्र बैठते हैं उच्च का रिजल्ट प्रदान करते हैं इरिस्पेक्टिव वहां पे राशि कौन सी हो और शुक्र का आपने अभी कारक पहना देखा क्या कारक देखा उनका कामुकता तो बारहवें घर से हम कामुकता को देखते हैं लस्ट को देखते हैं इसलिए वहां पे जिसके शुक्र बारहवें घर में आता है उसको जीवन का डिजायर लेवल सुख प्राप्त अच्छा होता है और प्लस वहां से जो मेटलिस्टिक गेन होते हैं वो भी प्राप्त अच्छे होते हैं जीवन में घर का स्थायी कारक इसलिए शुक्र बन जाता ही एक ऐसा है छठे घर अपने -अपने में जब बैठते हैं शुक्रदेव तो छठे घर में शुक्रदेव बैठ के अच्छा रिजल्ट्स प्राप्त प्रदान नहीं करते तकलीफ कारक बनते हैं समस्या कारक बनते हैं और वहां से मधुमेह बीमारी का कारक बन जाते हैं शुक्र तुला राशि में मूल त्रिकोण का है, तुला राशि की राशि तुला राशि की राशि देखा तो घर में आया घर घर में भी भी कारक कारक है है सेक्स का डिजायर वहां पे शुक्र देव विराजमान है यानी कि सात अंबर के अंदर भी शुक्र बैठता तो मेटलिस्टिक लाइफ को अच्छा करते हैं और उसको फलित करते हैं तो शुक्र सातवा की राशि में भी अच्छा फल प्राप्त करते हैं सात अंबर की राशि पर अगर देव का दृष्टि भी आ जाता यानी कि सातवें घर में शुक्र देखी दृष्टि भी आ जाती है तब भी वो अच्छा रिजल्ट प्रदान करते हैं यानी कि तीन सात ग्यारह हाउसेज में भी शुक्र आ जाते हैं तो तीन सात ग्यारह का ट्राइन क्रिएट हो जाता है वहां से उसके अंदर भी शुक्र अच्छा रिजल्ट प्राप्त करते हैं मेट्रोलिस्टिक वर्ल्ड के प्रति अच्छा रिजल्ट देते हैं शुक्र शुक्र अः वन ऑफ द ब्राइटेस्ट या वन ऑफ द ल्यूमिनियस प्लैनेट ऑफ दोलर फैमिली माने गए हैं शुक्र शुक्र इज ए मोस्ट ग्लोरीफाई मोस्ट 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 शाइनिंग ब्राइट कूल माने गए हैं चमकता हुआ व्हाइट व्हाइट मिल्की काइंड ऑफ एक्टिविटी कह सकते हैं तो वो शुक्र माना है शुक्र इज ए प्राइमरी प्लान फॉर प्लेजर लग्जरीज इन लाइफ शुक्र इज ए प्राइमरी प्लान फॉर मैरिज एंड बेनिफिट ऑफ द मैरिज को शुक्र देखते हैं शुक्र एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के अंदर भी शुक्र का योगदान है यूथफुल में कंफर्ट में में apt, uh, जो uh, जितने भी हमारे बिजनेस होते हैं एक्टिविटीज होती है जो प्राइमरी uh, रिलेट करती हैं सेलिब्रिटी वर्ल्ड से मीडिया टीवी सिनेमा डांस इन सबसे जो रिलेट करती हैं उसमें शुक्र एक इंपॉर्टेंट प्लान जाता है शुक्र एक ऐसा प्लान जो स, जो चीजों का सॉल्यूशन एमिकेबली ढूंढने की कोशिश करता है, का, tight, uh, का, एक है साफ सुथरा तो सु, उनके शुक्र बड़ा प्रोमोनेंटली काम कर रहा होता है जिन लोगों के आउटर फील घर के एक शाइनी एक ब्राइटनेस की फीलिंग देते हैं उन लोगों का घर का शुक्र बड़ा प्रोमनेंटली काम कर रहा होता है ये शुक्र की पहचान है शुक्र का घर बहुत चमकता हुआ शाइनिंग मिलेगा मतलब हर चीज अपनी जगह पे बिल्कुल अप्रोप्रिएट टच रखी पाई जाएगी दैट इज इंडिकेटिंग शुक्र ठीक शुक्र उसका कारक बन जाता है वहां पे शुक्र अगर ये शुक्र अच्छा नहीं होता तो जिसका जिसके चार्ट में शुक्र अच्छा प्रभाव नहीं देता वो व्यक्ति शेमलेस काइंड ऑफ एक्टिविटी होता है उसको श्रम श्रम का पर्दा जिसको बोलते हैं दैट दे इट ठीक है द, आ, उसको फिर अब्यूसिव वर्ड यूज करना या अपसिस करना वो सब चीजों में उसको कोई शर्म नहीं आती शर्म लिहाज जिसको बोलते हैं वो सब चीजें दे लॉस्ट वेरी इजली एंड वेरी अर्ली शुक्र इज ए प्लैनेट फॉर लव अफेक्शन मैरिज ब्यूटी कंफर्ट ठीक और अट्रैक्शन ग्लैमर लग्जरी प्लेजर इन सबको शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं वहीकल वहकिल में लग्जरी व्हीकल व्हीकल में जो एक नॉर्मल व्हीकल है वो शनि को रिप्रेजेंट करती है लोहा को करता है, बट एक लग्जरी, लग्जरी रिप्रेजेंट करती है शुक्र ड्रिंकिंग हैबिट्स का भी कारक शुक्र है ड्रिंकिंग हैबिट के अंदर दो की अगेन लग्जरी वाइन लग्जरी बियर लग्जरी यानी कि एक, एक, एक ब्रांड ब्रांड कॉस्मेटिक्स ब्रांड फुटपाथ वाली कॉस्मेटिक्स सब राहु हल्की कॉस्मेट हल्की दारू और चनी बट ब्रांडेड के अंदर शुक्र राइट ब्रांडेड परफ्यूम्स ब्रांडेड पर, हल्का परफ्यूम राहु ब्रांडेड परफ्यूम ठीक जो भी अच्छे ब्रांड्स आते हैं शुक्र ब्रांडेड वस्त्र शुक्र ब्रांडेड इनर गारमेंट्स शुक्र हल्के चीजें चंद्रमा भी आती हैं गुरु में भी आते हैं हल्के हल्के वस्त्र तो जब ब्रांड की बात आएगी जब हम ब्रांड पे जाएंगे अच्छे ब्रांड पे जाएंगे तो शुक्र उसका कारक बन जाता है शुक्र भी डायबिटी का, का, है। का, का है, कारक शुकर, शुकर, का का है शुक्र एड्स का कारक शुक्र से है किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम का शुक्र है कारक शुक्र है इसलिए जिसके चार्ट के अंदर चाइल्ड बर्थ के लिए रिलेशनशिप के अंदर एक क्रिया के अंदर बच्चा उत्पन्न होगा। अपोजिट टू फाइव है उसको क्योंकि शुक्र अपोज ग्यारहवे में बैठेगा तो पांचवे को देखेगा दृष्टि देगा सीधा सा तो बैठा हुआ जीरो डिग्री का या वीक डिग्री का या पांचवे में बैठा हुआ है तो उसकी जो जो पावर होगी द चाइल्ड प्रोडक्शन वो वीक हो जाएगी रिप्रोडक्टिव सिस्टम वीक हो जाएगा दैट दैट दिस इज वन ऑफ दी रीजन कि चाइल्ड नहीं हो पाता ठीक और है और बहुत सारे कारक है जो मैं रहा आपको राइट right. शुक्र लग्जरी का कारक क्या एंड uh, शुक्र अच्छे मकान अच्छे घर अच्छा कंफर्ट घर कंफर्ट घर, घर का आनंद घर के अंदर तसल्ली, पीस प्लेजर हैप्पीनेस घर के अंदर का कारक शुक्र है ठीक शुक्र की तीन नक्षत्र भरणी नक्षत्र पूर्व फागुनी, पूर्व नक्षत्र तीन नक्षत्र शुक्र शुक्र किसी भी राशि में करीब 25 से 30 दिन तक रहता है शुक्र जो है फीमेल प्लेनेट है और इसका जो दिन है शुक्रवार इसका दिन माना गया है शुक्र का शुक्र प्लेटिनियम इसका राइट मेटल एक्चुअली प्लेटिनियम होता है व्हाइट गोल्ड जिसको हम बोलते हैं या सिल्वर इसका शुक्र का जो gems वो diamond है डायमंड में अमेरिकन डायमंड एक्चुअली शुक्र का नहीं है वो नकली है वो शुक्र जो normal, pure diamond होता डायमंडन डायमंड के अंदर भी कैरेट के हिसाब से यानी कि एक कैरेट प्लस अगर हम पहनेंगे तब वो प्लानिटरी इफेक्ट को बल देगा जिरकन भी लोग पहनते हैं जिरकन इज आल्सो नॉट रिप्रेजेंटिंग शुक्र उसको भी शुक्र से इफेक्ट नहीं आता अल्टरनेट टू ओपल ओपल उसके लिए यूज किया जाता है शुक्र की दो राशि है एक तारस और एक लिब्रा यानी कि दो नंबर और सात है वो अर्थ एलिमेंट है और जो सात की राशि है वो एयर एलिमेंट है जिसका यहाँ पे कैसे इफेक्ट करना देखना है राशि में जाएंगे तो और ज्यादा आएगा थोड़ा हिंट दे रहा हूं मैं जिसका दो नंबर की राशि लगन में आ जाएगी तो वो अर्थ एलिमेंट उसका स्ट्रांग हो जाएगा उसके जीवन में जिसकी

उसकी ट्रिक बहुत होगी वो कन्विंसिंग पावर की बहुत होगी हर जग, हर टाइम पे लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करेगा अपनी बातों को बोलने की समझाने की पूरा प्रयत्न करेगा वो व्यक्ति ये सात नंबर राशि का ट्रेड होगा और दो नंबर की राशि का ट्रेड ये दोनों शुरू करके बट ट्रेड का अंदर डिफरेंस आ जाएगा राइट right. शुक्र अगर अच्छा होगा शुक्र अगर अच्छा होगा चार्ट के अंदर तो शुक्र हमें जीवन के सुख प्रदान करेगा रिलेशनशिप के सुख प्रदान करेगा हमारी अच्छी इंस्टिंग अगर लेडीज के चार्ट में अगर शुक्र अच्छा काम कर रहा है उनको बहुत जल्दी इंस्टिगेट हो जाएगा सामने वाले की नीयत बहुत जल्दी इंस्टिगेट हो जाएगी और वो उसके साथ अपने आप को डील कर पाएंगी। अगर शुक्र अच्छा काम नहीं कर रहा होगा चार्ट के अंदर तो वो उस भाव के अंदर बह जाएंगी ये दोनों में डिफरेंस होगा ठीक अगर आ, मेटलिस्टिक वर्ल्ड का कारक है तो मेटलिस्टिक वर्ल्ड की सुख सुविधाएं इंजॉयमेंट फन लाइफ के अंदर सब चीजें देता है शुक्र का सेलिब्रिटी का कारक है तो सेलिब्रिटी स्टेटस भी देता है सक्सेसफुल एक्टर एक्ट्रेसेस या गा, गाना बजाना म्यूजिशियन ये सब शुक्र का अगर शुक्र अच्छा नहीं होगा तो कैरेक्टरलेस एक्टिविटी ड्रिंकिंग एक्सेस ड्रिंकिंग एक्सेस ऑफ रिलेशनशिप सेक्स इन सब चीजों का कारक शुक्र बनता है लॉस ऑफ मनी इंजरीज मेटलिस्टिक वर्ल्ड से की चीजों से थोड़ा कमी करता है और मैरिज को, को खराब करता है बच्चों को खराब करता है ठीक है एंड टेंडेंसीज हमारी जो होती है वो बाहर की तरफ ज्यादा होती है और इंजरीज का कारक बनता है जेनेटिकल डिजीज का कारक बनता है शुक्र जेनेटल डिजीज में हमारे इंटरनेट जेनेटिकल डिजीज का कारक शुक्र बनता है वो तकलीफ देता है उसमें शुक्र अपीरेंस का कारक क्या है जिसके लगन में शुक्र बैठा होगा जिसके उसकी पर्सनालिटी में एक अलग से फील होगा जहां पे हमने गुरु की बात की थी गुरु के केस में, लगन में बैठा गुरु अलग से तेज देगा वहीं पे शुक्र लगन में बैठा होगा एक अलग से फील फैक्टर क्रिएट करेगा इंसान के और जिससे वो उसकी जो पर्सनैलिटी है वो प्रभावी बनेगी यानी कि अट्रैक्टिव बनेगी आकर्षित बनेगी और अपोजिट जेंडर में वो व्यक्ति लोकप्रिय हो जाएगा लगन में बैठा हुआ शुक्र जो होगा ठीक है उसके अलावा शुक्र एक ओवरऑल स्ट्रांग पर्सनालिटी देता है एक अच्छी पर्सनालिटी प्लेजर पर्सनालिटी देता है सुंदर आई सुंदर कॉम्प्लेक्शन और स्मार्ट लुक आउटलक्स यही शुक्र का अच्छा नहीं होगा तो फेस पे दाने या पिंपल्स या फेस को खराब भी शुक्र का कारक बनता है क्योंकि उससे पर्सनालिटी वीक हो जाती है शुक्र बॉडी पार्ट्स में थॉट्स का चिन का चीक्स का बालों का क्योंकि सारी हमारी

म्यूजिक से रिलेट सेलिब्रिटी से रिलेटेड जो कारक होते हैं टेलीविजन से रिलेटेड जो होते हैं उसमें शुक्र का योगदान है इसके अलावा uh, आयुर्वेदिक आर्वेद, को लेके शुक्र काम करता है कॉस्मेटिक से रिलेटेड लेडीज गार्मेंट से रिलेटेड परफ्यूम स्वीट्स स्वीट्स में रेस्टोरेंट्स ठीक इसका शुक्र कारक बनता है फोटोग्राफर डेकोरेशन इंटीरियर डेकोरेशन सर्जन मीडिया इन सबका कारक शुक्र बनता है दूध का कारक सफेद चीजों का चीज एक्टिविटी का कारक भी शुक्र बनता है और खुशबूदार चीजें जो होती है जिसमें खुशबू आए उन सब चीजों को शुक्र उसका कारक है कार इसलिए शुक्र की बोली जाती है कैम्फर में खुशबू होती है सफेद होती है कैम्फर और खुशबू होती है वो शुक्र की है लोग मून की भी हैं मून से ज्यादा शुक्र को शुक्रिया मून सेकेंडरी हो जाता है, है। के अंदर शुक्र जो है Uh, हमारी जितनी भी हमारे बॉडी पार्ट्स होता उन सब बॉडी पार्ट्स का कारक है है तो वहां से ले आती क्षमता को शुक्र दर्शाता है ईटिंग हैबिट्स ड्रिंकिंग हैबिट्स का कारक शुक्र है उन, उन शुक्र है शुक्र के जो प्रोडक्ट्स होते हैं शुक्र के जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स है जो चावल

शनि को प्रमिनेंटली रिलेट करता है लेकिन पे हम शुक्र को भी इसको मानते हैं. वो शनि और हाँ राहु करता है जैसे. उसके अलावा ठीक आ, ये सब सिल्क सिल्क कपड़ा सिल्क की वस्तुएं की शाइनिंग होती है ब्राइटनेस होती है वो शुक्र होती है टेक्सटाइल्स टेक्सटाइल गुड फ्लिक्स टेक्सटाइल एक जो ब्रांड टेक्सटाइल होता है जो ब्रांडेड जैसे हमारी वाइफ को, को हमारे पार्टनर को शुक्र रिप्रेजेंट करता है महंगी गाड़ियों को बेडरूम एक्टिविटीज को शुक्र रिप्रेजेंट करता है फ्रेग्रेंस को सेंसुअलिटी को सेंसुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट शुक्र से रिप्रेजेंट करती है

जो पिक्चर में दिखाते हैं जैसे रनलाइट एरिया सबको शुक्र रिप्रेजेंट करता है ग्लास मैनुफेक्चरिंग ठीक है रिप्रेजेंट करता है और गार्डनिंग फाउंटेन जो एक खूबसूरती बेसिकली खूबसूरती को शुक्र रिप्रेजेंट करता है एक फील फैक्टर जहां पे भी एक फील फैक्टर आएगा चाहे आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं चाहे आप किसी मॉल में चले जाएं अगर एक फील फैक्टर क्रिएट कर रहा है तो शुक्र को रिप्रेजेंट करेगा शुक्र इज ए फील शुकर। जैसे मैंने बोली तो सेंसुअलिटी फील जब भी कोई फीलिंग क्रिएट करता है किसी की पर्सनैलिटी के अंदर किसी की आउटलुक के अंदर किसी के कपड़ों में कहीं पे भी एक वॉव वाली फीलिंग जब भी क्रिएट करेगा द मोमेंट यू सी समथिंग एंड यू सी वॉव इट्स अ शुक्र सिंपल ठीक दैट पॉइंट इट इज राइट तो शुक्र जो है शुक्र के जो क्वीन ऑफ गॉडे इंद्रानी देवी को माना गया क्वीन ऑफ गॉडस इंद्रानी देवी तो वो शुक्र की डायट्री है और इंद्रदेव शुक्र के रूलर माने गए हैं शुक्र के से और क्या रह गया शुक्र का जो मंत्र शुक्र के जो मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नम हाँ. ये बीज मंत्र है ओम शु शुक्राय नमः ओम शु शुक्राय नमः यह तांत्रिक मंत्र शुक्र का माना गया शुक्र का रंग जो है नॉर्मली गुलाबी माना जाता है पिंकिश कलर शुक्र का कलर है रुद्राक्ष जो है छे मुखी का रुद्राक्ष शुक्र का अरंड मूल अरंडमूल की जो बेल होती है जड़ होती है बेसिकली वो शुक्र की मानी जाती है शुक्र फैंसी चीजें जो होती है जो सुंदरता की चीजें होती है जो आजकल एक वो एक फैशन आइटम्स कह सकते हैं फैशन आइटम की जो एक्टिव चीजें होती है पदार्थ वो सब शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है और आई थिंक शुक्र इज कम्प्लीट और मोरलेस ओके शुक्र का जो जानवर है वो uh, तेंदुआ बतक ये शुक्र के जानवर माने गए हैं ओके और मोरल्स

वास्तु के पर्सपेक्टिव से वो और भी चीजों को रिप्रेजेंट करती है बट सास सजावट की वस्तुएं आमतौर पे जब अगर सुंदरता दे रही है तो शुक्र को रिप्रेजेंट करेंगी ठीक अगर शुक्र अच्छा नहीं होगा तो इंसान को जीवन में रेपुटेशन में मान सम्मान में लग्जरी में फीलिंग में बैटलिस्टिक वर्ल्ड की चीजों में कमी प्रदान करता तकलीफ प्रदान करता और इंपॉर्टेंटली रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या फिर हमारे इंटरनल जेंटिकल पार्ट्स जो होते हैं उसके अंदर तकलीफ पैदा करता है शुक्र ठीक है राइट तो शुक्र इज कंप्लीटेड नाउ यस